तो चलो दोस्तों, आज हम बहुत सारी मसाला पापड़ की रेसिपीज देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने उड़द दाल का पापड़ फ्राई करके लिया, उसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया, उसके ऊपर मैंने एक कच्चा आम डाल दिया, कैरी डाल दी। अभी आम का सीजन चालू है तो जरूर ये ट्राई करना समर सीजन में। उसके बाद मैंने धनिया पत्ता बारीक कट करके डाल दिया उसके ऊपर से, फिर ऊपर से मैंने सेंधा नमक डालो, नॉर्मल नमक डालो, उसके ऊपर से मैंने मिर्ची पाउडर डाल दिया, ये बारीक फीकी सेव डाल दिए। अभी ये हमारा मसाला पापड़ रेडी है, कैरी वाला मसाला पापड़, कच्चे आम का मसाला पापड़, बहुत ही टेस्टी होता है। अभी सेकंड रेसिपी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वापस एक उड़द का पापड़ फ्राई करके लिया, उसके ऊपर मैंने डाल दिया टमाटर। अभी टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर मैंने डाला है खीरा, ककड़ी डाल दी है, खीरा इसको कट करके डालना। फिर उसके बाद ना इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, उसके बाद हम इसमें नींबू निचोड़ेंगे। दोस्तों गर्मियों का सीजन है तो जरूर ऐसा वाला मसाला पापड़ बना के ट्राई करना। उसके ऊपर मैंने मिर्च पाउडर डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया, फिर ये ऊपर से बारीक से हमारा ये ककड़ी वाला खीरे वाला मसाला पापड़ रेडी है। दोस्तों बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है, बढ़िया सा लग रहा है। होटल में जाओगे तो मन नहीं भरता है, तो घर पर बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों अभी हम देखेंगे थर्ड रेसिपी ऑफ मसाला पापड़। तो यहाँ पे मैंने वापस से एक उड़द का पापड़ ले लिया, उसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया, उसके ऊपर मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया। ऊपर से अभी हम डालेंगे इसमें नींबू निचोड़ देंगे दोस्तों। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिया, ऊपर से हमने धनिया पत्ता डाल दिया, ऊपर से बारीक सेव डाल दिए। दोस्तों अभी हमारा मसाला पापड़ रेडी, होटल जैसा मसाला पापड़ जो नॉर्मली ऑथेंटिकली देते हैं होटल में हमको। अभी ये फोर्थ रेसिपी, यहाँ पे मैंने वापस से उड़द का पापड़ ले लिया, उसके ऊपर हमने टमाटर डाल दिया, उसके ऊपर मैं डालूंगा अभी धनिया पत्ता, उसके बाद मैं ऊपर से नमक डालूंगा, ऊपर से लाल मिर्च पाउडर, नमक में आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो, ऊपर से मैंने पीली बारीक से डाल दी फीकी वाली। अब ये हमारा सिंपल सा मसाला पापड़ रेडी है, तो चलो मिलते हैं।